इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस, रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईबी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। आज दिनांक 14/4/2024 को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर आम आदमी पार्टी आगरा ने बाबा साहब की जयंती को संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ के रूप में मनाया। आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को तथा कथित फर्जी केसों में जेल के अंदर डाला जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आगामी चुनाव को निष्पक्ष नहीं करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सपना गुप्ता है, मैं आम आदमी पार्टी में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूं। जी, आपका सवाल। मैम, आज जो डॉक्टर गुप्ता और आम आदमी पार्टी संदेश क्या देना चाहते हैं आप? जी, सबसे पहले मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद मेरा संदेश इस देश के हर व्यक्ति को है कि इस बार जब आप वोट करने जाएं तो इस तानाशाही के खिलाफ अपना वोट दें और एक बार इस पब्लिक को, इस जनता को, इस देश को ये बता दें कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश की सरकारें चुनते हैं। तो इस देश में वो सरकार नहीं होनी चाहिए जो सरकारी तंत्र का बेटा इस्तेमाल करके और ऊंच नीच करके और जो ईमानदार लोग हैं उनको जेल में डाल कर, इस तरह की सरकार इस देश में नहीं चलेगी। इस देश की सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के हिसाब से ही चलेगी। और ये जो मोदी जी ने नारा लगा रखा है ना 400 पार, पता नहीं वो किस घमंड में है। मुझे तो लगता है कि इस बार 400 हार है मोदी जी की, 400 पार तो बिल्कुल भी इस चुनाव में दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ इंडिया गठबंधन की वजह से। आज आम आदमी पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी 73 जिलों में और कहा जाए समूचे भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती तानाशाह हटाओ लोकतंत्र बचाओ के नाम से मनाई जा रही है। इस क्रम में आम आदमी पार्टी ये बताना चाहती है कि ये देश गुंडागर्दी से, ईडी से, सीबीआई से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से। और जो ये जो भाजपा के लोग हैं, मैं कहना चाहूँगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो संविधान में परिवर्तन कर देते हैं, जो आरक्षण हटाने की नीतियां कर रहे हैं, ये जो दबे हुए शोषित जो लोग हैं, जो बाबा साहब ने इनकी संविधान बनाया था, परिवर्तन की क्या आवश्यकता है? इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, संविधान में छेड़छाड़ नहीं किया जाए। देखिए, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनको जनता ने चुना था, उनको एक तथाकथित फर्जी शराब घोटाले में आपने जेल के अंदर कर दिया। हमारे यूपी के सांसद माननीय संजय सिंह जी, अभी 6 महीने तक उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उसके बावजूद वो 6 महीने तक जेल में रहे। इस तरह के विपक्ष को खत्म करने की राजनीति ये लोग जो कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये संविधान प्रिय देश है और ये देश संविधान चलेगा। आज बाबा साहब को याद करते हुए मैं यही कहूँ। अशोक धनगर, पूर्व सचिव ब्रज प्रांत आम आदमी पार्टी। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान शिल्पी हैं, उनकी जयंती मनाई जा रही है 133वीं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आम आदमी पार्टी पूरे संविधान को पूरे तरह से फॉलो करती है। बाबा साहब ने शोषित वंचितों और मजलूसों के लिए जो कार्य किया, उसी तरह से हमारे नेता लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कार्य कर रहे हैं, शिक्षा चिकित्सा पर काम कर रहे हैं और हर व्यक्ति के लिए वो काम करना चाहते हैं। लेकिन तानाशाह देश में जो जन्म ले रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए और संविधान को खत्म करने के लिए जो बीड़ा उठाए हुए हैं, लेकिन उनको हमारा पूरा पूरा चैलेंज है। इंडिया गठबंधन इस बार दिखा देगा कि तानाशाही कैसे को तोड़ा जाता है और तानाशाही से अलग होकर के आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन बीजेपी पार्टी को हरा करके मानेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।